प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ हम ऐसा क्या करें कि जिससे भगवान को आनंद हो। माँ अच्छी बात है, तुम लोग भगवान के पास कुछ मांगते हो तो कुछ मिलता है, कुछ मिलने से कुछ नहीं होता है। भगवान परिपूर्ण है, अखंड है। यदि भगवान के पास याचना करनी है तो अखंड की प्राप्ति के लिए याचना करो, अखंड की प्राप्ति के लिए अखंड प्रयत्न करो। प्रकाश क्या वस्तु है? प्रकाश भगवान का ही असल प्रकाश है। यदि भगवान के दर्शन नहीं मिले तो फिर दुख ही दुख है। प्रश्न करता, मां मोक्ष होने से क्या होता है? मां अपने आत्मस्वरूप का प्रकाश होना मोक्ष है। साधन करते करते मोक्ष प्राप्त होता है। साधन करो और फल प्राप्त करो। साधन करते करते अखंड प्रकाश की प्राप्ति होगी। प्रश्न करता, मां महाप्रलय के समय क्या हम सब लोग कर्म बंधन से छूट जाएंगे? मां अरे यदि बीज ना रहेगा तो सृष्टि कहां से होगी? कारण से ही कार्य प्रकाशित होता है। प्रश्न करता, मां मैंने ऐसा नियम किया है कि रात को मौन रखता हूं, सुबह भी मौन रखता हूं, परंतु मौन के बाद मैं ठीक तरह से बोल नहीं सकता, कैसे मौन रखना चाहिए? मां एक होता है मौन रखना और एक होता है मौन अपने आप हो जाना। जहां मौन अपने आप होता है वहां लक्ष्य पूरा हो जाता है। किसी ने किसी के ऊपर क्रोध करके बोलना छोड़ दिया, वह मौन नहीं है, वह संयम भी नहीं है। जब मौन के बाद बात शुरू करेगा तब फायर हो जाएगा। मां खूब हंस रही हैं, पिताजी क्या ठीक बात है ना, कैसा चमत्कार, सब में अनंत तत्व है, अनंत रास्ते हैं। प्रश्न करता, मां वाक संयम को क्या मौन कहते हैं? मां वाक संयम भी ठीक ही है, वाक संयम से लाभ है, मिथ्या भाषण कम हो जाता है, वाणी खुली रहने से कभी कभी असत्य भी बोल जाता है, वाक संयम से असत्य बोलना कम हो जाता है, वाक संयम रखकर यदि लिखने जाओ तब भी सावधान रहना पड़ता है, इससे भी भाव शुद्ध होता है। ऐसा भी होता है कोई कोई थोड़ा बोलकर भगवान का नाम ले लेता है, ऐसे भी कोई कोई लोग हैं जो भगवान का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं लेकिन वाक संयम करते हैं। वे लोग बहुत इशारा भी करते हैं, बार बार अपना विचार लिखकर बताते हैं। भगवान की तरफ मन को नहीं रखकर जो वाक संयम करता है उससे ज्यादा लाभ नहीं होता है। वाक संयम का अभ्यास करने के बाद मौन भी ले सकते हैं। ऐसे भी कोई कोई लोग हैं जो कहते हैं कि जब भगवान ने मुख दिया है तो फिर मौन क्यों करना, अरे यदि सुनना ही है तो सिर्फ भगवान की बातें सुनो, यदि बोलना है तो सिर्फ भगवान की बातें ही बोलो, यदि स्पर्श करना है तो भगवान का ही स्पर्श करो। प्रश्न करता, मां गुरु प्राप्ति होने के बाद साधना करनी चाहिए या साधना शुरू करके गुरु को खोजना चाहिए? मां तुम्हारे में बिना गुरु भगवान की प्राप्ति करने की शक्ति कहां है? पहले जमीन तैयार करो, पीछे बीज को लगाया जाता है, इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सत्संग से जीवन का रंग बदल जाता है। गुरु जो आदेश दें उसका अविचार से पालन करो। गुरु से दीक्षा लेने के पहले गुरु का सत्संग करो। इसके बाद यदि हृदय में गुरु की तीव्र उत्कंठा हो तो गुरु रूप से उनको स्वीकार करो। एक बार गुरु रूप से स्वीकार करने के बाद गुरु के आदेशों का अविचार से पालन करो। कथा प्रसंग में मां ने कहा, एक बार यह शरीर भोलानाथ के साथ चुनार से जयपुर गया था। उन दिनों इस शरीर पर स्वर्ण के बहुत अलंकार इत्यादि थे। जयपुर में टांगे में बैठ के जब जा रहे थे तब टांगे वाले ने इस शरीर पर इतने स्वर्ण के अलंकारों को देखा तो उसकी बुद्धि में लालच आ गया। उसने भोलानाथ से कलह करना शुरू किया।
यह शरीर टांगे के पीछे की जगह में बड़ा घूंघट डालकर बैठा था। भोलानाथ और टांगे वाले के बीच में कलह बढ़ता ही जा रहा था। यह शरीर तो घूंघट डालकर जैसे नशा चढ़ा हो ऐसी मस्ती में पड़ा था। इतने में शरीर ने पूछा, क्या हो रहा है? ऐसा उनसे पूछने पर इस शरीर की दृष्टि टांगे वाले के ऊपर पड़ गई। इस शरीर की दृष्टि पड़ते ही टांगे वाला शांत होकर बैठ गया और कहने लगा, अच्छा मैं स्टेशन पर वापस ले जाऊंगा। जयपुर में रहना ही नहीं हुआ, क्योंकि टांगे वाले से कलह हो जाने से भोलानाथ भी गुस्से में आ गए थे। एक वृद्धा काश्मीरी माताजी मां के दर्शन के लिए आई। मां ने पूछा, माताजी कहां से आई हो? वृद्धा, मां घर से आ रही हूं। मां, नहीं तुम घर से नहीं आई हो। जिसको अपना घर मिल गया है वह क्या घर से वापस आता है? तुम तो धर्मशाला में से आ रही हो। वृद्धा, नहीं मां मैं धर्मशाला से नहीं आई हूं, मैं तो अपने घर से आ रही हूं। मां, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? धर्मशाला से नहीं आ रही हो? मां और वृद्धा का यह रसिक संवाद सुनकर सब भक्त लोग हंसने लगे। तब उनको मां की बात का रहस्य मालूम हुआ और उन्होंने कहा, हां मां तुम्हारी बात सत्य है। मां, राम का घर ही सच्चा घर है, बाकी सब कुछ धर्मशाला है। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।